Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. सक्षम फाउंडेशन द्वारा हर साल की तरह इस साल भी 125 दर्जन लॉन्ग बुक जय अम्बेनगर चौल भाईंदर वेस्ट में जरूरतमंद बच्चों को दी गई। इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति नगर सेवक श्री पंकज पांडे की थी। इसी तरह के अन्य सेवा के काम संस्था द्वारा किए जाते हैं। ट्रस्टी अनुज सरावंगी, सचिव अग्रवाल और बाकी सदस्य से आइए हम बात करते हैं। सक्षम फाउंडेशन 15 जनवरी 2015 को शुरू किया था। रजिस्टर्ड ट्रस्ट है हमारी, एटी जी हमें 2-3 महीने में मिल जाएगा। हम ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी हर साल करते हैं जय अम्बेनगर चौल नंबर 1 में, जहाँ पे हम बच्चों को उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बुक्स बांटते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वी डू नॉट चार्ज देम इवन अ सिंगल बुक। हम ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का 4th ईयर हमारा। ट्रस्ट हमारी जनवरी 2015 में रजिस्टर की थी। हम हर महीने की 2 एक्टिविटी करते हैं। एवरी फोर्टनाइट हमारी 1 एक्टिविटी होती है। जैसे हमने अभी पिछले महीने तक कंप्लीट 1 साल तक हमने एक वृद्धा आश्रम है गुराई में, जहाँ पे हमने 1 ईयर हर महीने उनको पूरे महीने की ग्रोसरी हमने वहाँ पे सप्लाई करी। हमने अभी लास्ट मंथ हमने जो अपने लेबर्स होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबर काम करते हैं उनको हमने फुटवेयर्स बांटे थे, चप्पल बांटी थी। जैसे हमने ये जो दिवाली का टाइम था तो हमें जो बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे उनको हमने मिठाई के डब्बे बांटे थे। इस तरीके से हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। हर महीने हमारी 2 एक्टिविटी होती है। हाँ, हम 5 लोग अवेलेबल है, एक जन नहीं आ पाया क्योंकि मैं अनुज सराव वन ऑफ द ट्रस्टी, योगेश सोमानी है, महीप अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, इरफान, हम 5 एंड राहुल, टोटल 6 जन है हम अभी फिलहाल यहाँ पे। हम 5 मॉडल वैसे हमारी टीम है, सारे कार्यकर्ता है हमारे साथ। NGO करके हम चला रहे हैं, हम कहीं से फंड वगैरह हम मांगने नहीं जाते हैं। पैसा जो हमको अपनी इच्छा से कॉन्ट्रीब्यूट करता है हम वही फंड यूज करते हैं। आज आपने ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा है उसमें आपने कितने लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूट? हम लोगों ने टोटल 125 डजन बांटी। सो वो जो यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है उनके हिसाब से जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आपको ये ट्रस्ट के कौन पॉलिसी का आइडिया कहाँ से आया? सो हम 6 लोग अभी जो है हर कोई अपने अपने कैपेसिटी में पर्सनली कुछ कुछ कर रहा था, लेकिन बोलते हैं ना 2 2 2 करो उससे अच्छा सीधा 1+1 करके हम 11 बना देंगे उसको, वैसा कर दिया हमने। तो हमने एक दिन सोचा कि क्यों ना हम सब मिलके कुछ करें जिससे हम शायद ज़्यादा बेहतर कर पाए, क्योंकि एक आदमी कितना कर पाएगा। लेकिन जब 6 जुड़े और 6 के फिर वो 6 गुना 6 करके 36 हो गए, तो आज हम इसके लिए इतने सारे कार्यक्रम कर पा रहे हैं। इसका रीज़न यही है क्योंकि हम 6 साथ में आ गए, नहीं तो हम अलग अलग खुद कर रहे। आज ट्रस्ट में कितने लोग हैं आपसे, कितने लोग जुड़े हुए? 6 हम डायरेक्टली और डायरेक्टली 78 लोग और हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। उसके अलावा जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो हमेशा आते रहते हैं कोई भी एक्टिविटी में, जैसे अभी हमारे ट्रस्ट के दिल्ली से फैमिली आई हुई है तो आज वो जुड़े हैं हमारे साथ। कोई ना कोई इंक्लूड रहता है हर बार।